भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के प्रावधान जितना महत्व रखते हैं, उतना ही महत्व संविधान में संशोधन की व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या का है। क्योंकि संविधान में संशोधन एवं इसकी व्याख्या ही संविधान को बदलते हुए समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करने में मदद करती है। इसी संदर्भ में 7 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को जो बरकरार रखा है, वह यहाँ प्रासंगिक है। इस निर्णय की चर्चा कई कारणों से भी महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से अभी तक जो आरक्षण जातियों तक सीमित रहा, उसमें नए वर्गों के लिए विकल्प खुल सकते हैं और साथ ही आरक्षण के नए आयाम भी खुलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। यह पहला मौका है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। अभी तक यही अवधारणा थी कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही हो सकता है। इससे पहले 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि मंडल केस 1992 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया था। इस निर्णय को देने वाली संवैधानिक पीठ के एक जज जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आरक्षण गैर बराबरी को बराबरी पर लाने का लक्ष्य हासिल करने का एक उपकरण है, यानी कि उन्होंने आरक्षण की एक परिभाषा तय की। इसके जरिए न केवल सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है, बल्कि किसी और कमजोर वर्ग या क्लास को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जस्टिस बेलक ने लगातार चले आ रहे आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म किया गया है। इसी आलोक में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की एक समय सीमा तय होनी चाहिए, तभी एक समतावादी समाज का निर्माण हो सकेगा। जस्टिस जेबी पाडरीवाला ने आरक्षण का लाभ पाकर एक स्तर तक पहुंच गए पिछड़ों को बाहर करने की बात कही है, ताकि उस वर्ग को लाभ मिल सके जिसे वास्तव में मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक सौहार्द के लिए आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए लाए थे, लेकिन यह आज 7 दशक बीतने के बाद भी लागू है। अन्य दो जज CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट जो इस निर्णय के विपक्ष में थे, उनका विचार था कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम भेदभाव का स्वरूप है। SC ST व OBC के गरीबों को संशोधित कानून से वंचित रखना भेदभाव माना जाएगा और यह आरक्षण समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। पहला तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत पर बल दिया गया है, यानी आरक्षण व्यवस्था के तौर तरीकों को और प्रभावी व न्यायसंगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है और आरक्षण की परिभाषा क्या हो यह भी तय करनी होगी। इस आरक्षण की परिभाषा में कौन कौन से आयाम आ सकते हैं यह समझना होगा। यह भी समझना होगा कि क्या आरक्षण केवल जाति के आधार पर चलेगा या आरक्षण में जैसे अब एक आर्थिक आयाम और जुड़ा है, इसी तरह से अन्य आयाम भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो इस निर्णय से निकल करके सामने आई है वह है कि आरक्षण टारगेटेड होना चाहिए, यानी कि जो आरक्षण है वो लक्षित होना चाहिए, अर्थात जिन वर्गों को आरक्षण प्राप्त है उसमें से भी केवल उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।